गए आप लोग? यार आप लोग आए, बताया भी नहीं मुझे। तो हेलो गाइज, मैं हूँ सौरभ और आप देख रहे हैं एस के बाइक व्लॉग। तो गाइज आज की वीडियो आप थंबनेल टाइटल देख के समझ गई होने यार आज की वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं। तो जैसे ही आपने वीडियो में देखा कि जब बाइक चोरी होती है, ठीक है, अगर आप बाइक कहीं पार्क की हो, बाइक आपकी चोरी हो गई, उस वक्त आपको इस सिचुएशन को कैसे फेस करना, कैसे हैंडल करना है, तो आपको आज की वीडियो में गाइज यही सिखाऊंगा कि आप जब बाइक आपकी बाइक चोरी होती है तो इंश्योरेंस कंपनी कैसे क्लेम करना है, पुलिस में आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी और किस किस सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी आपका इंश्योरेंस जो है क्लेम वो रिजेक्ट भी कर सकती है, ठीक है ना। एंड अगर आप इन चीज़ों से झंझट में नहीं पड़ना चाहते, चाहते हो कि ये सब मेरे साथ ना हो, तो मैं वीडियो के आखिरी में आपको ये भी बताऊंगा कि सबसे मेन पॉइंट तीसरा कि आप अपनी बाइक कैसे चोरी होने से बचा सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो गाइस बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग होने वाली है, अगर आपने आज वाली वीडियो नहीं देखी तो आप बहुत ही ज़्यादा जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो आप जो नहीं ले पाओगे। तो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और जो नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन दूंगा जब इन फ्यूचर आपके साथ ऐसी चीज़ हो, खुदा ना वास्ता कि आपके साथ ऐसा कभी हो गया हो, तो आपको इस चीज़ से कैसे डील करना है, तो आपको आज की वीडियो में गाइस यही सिखाऊंगा। तो मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं एस के बाइक ब्लॉग। चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अब आपको बताते हैं कि किन किन इस सब सिचुएशन को आपको कैसे डील करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जब आपकी गाड़ी जो बाइक है वो चोरी हो जाती है तब इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे आप अपने इंश्योरेंस कंपनी अपना जो क्लेम है वो करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बताते हैं जब आपको पता चलता है जहाँ पर आपने बाइक आपने पार्क करी है कि आपकी बाइक वहाँ से चोरी हो चुकी है, ठीक है। चोरी के तुरंत आपको आपके जहाँ पर आपने बाइक पार्क करी है तुरंत आपके जो है उसके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आपने वहाँ पर जाके FIR दर्ज करवानी है, ठीक है। अगर आप FIR दर्ज नहीं करवाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करना है, आपको जो है FIR दर्ज करवाने के बाद वहाँ पर पुलिस वाले आपसे जो है आपको जो सब कुछ बताना है कि मैंने यहाँ पर बाइक पार्क करी थी, ठीक है, ऐसे ऐसे हुआ, इतनी देर में जो मैं आया मुझे पता चला कि बाइक वो चोरी हो चुकी है, ठीक है। आप अगर आपको जब पता चलता है ना कि बाइक यहाँ से चोरी हो चुकी है, उस मच बेटर कि आप सबसे पहले कॉल कर लो, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाइक चोरी होने के बाद 15-20 मिनट के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाए, तब क्या होगा, पुलिस वाले सबसे पहले ऑनर को पकड़ेंगे। एंड अगर आपने वहाँ पर सबसे पहले कॉल कर दी तो आप उस कॉल को वो रिकॉर्ड भी कर लें, क्योंकि आपके पास प्रूफ होगा कि मैंने इन्फॉर्म कर दिया तो मेरी बाइक है वो चोरी हो गई, ठीक है। अगर ऐसा ना हो कि आप लेट हो जाओ तो तब मुश्किल हो जाएगी। एंड अब बात करते हैं कि जब FIR दर्ज करवाने जा रहे हो तो उस वक्त आपकी क्या सिचुएशन है, ऐसा ना हो कि आप ड्रिंक एंड ड्राइव हो तो आप पूरा ड्रंक सिचुएशन में हो, तो तब आपको पुलिस वाले हैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेंगे। एंड ऐसा ना हो कि वो ऐसा भी कर सकते हैं कि FIR में ये भी लिख दें कि ये जो बंदा है ड्रंक था, तो इस पे जो इसने पता नहीं गाड़ी कहाँ पर पार्क करी है, तो इससे क्या होता है आपकी इंश्योरेंस है उसमें जो दिक्कत आ सकती है, ठीक है। एंड ये FIR पूरा ये काम करने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है, इंश्योरेंस कंपनी को आपने इन्फॉर्म करना है विद इन 24 आवर्स के अंदर कि आपकी जो गाड़ी है वो चोरी हो चुकी है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करने के बाद वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी आपसे आपकी FIR की कॉपी मांगेगी, ठीक है, वो भी आपने जो है FIR कॉपी दे देनी है। साथ में इंश्योरेंस कंपनी आपसे आपकी गाड़ी की दोनों की मांगेगी, आपके पास जो आपकी बाइक की दोनों कीज़ भी होनी जरूरी है, ठीक है। वो सब कुछ सबमिट करने के बाद उसके बाद आपने अपने जो RTO, ठीक है, RTO को भी आपने इन्फॉर्म करना है। RTO आपसे या कुछ डॉक्यूमेंट मांगेगी, वो आपसे होगा क्या कहते हैं आपसे RC मांगेगी, उसके बाद जो है आपके ओरिजिनल कॉपी ऑफ FIR मांगेगी, ठीक है। साथ में आपसे जो है कुछ अदर डॉक्यूमेंट मांगी, वो भी आपने सबमिट करनी है। साथ में इस मच इम्पोर्टेंट आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस भी आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। ये सब करने के बाद आपको इंश्योरेंस कंपनी के पास जाना, इंश्योरेंस कंपनी आपसे जो कुछ डॉक्यूमेंट मांगेगी, डॉक्यूमेंट्स में आपने जो है अपनी दोनों की देनी है, ठीक है, आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस देना, RTO रिपोर्ट देनी है, और साथ में आपको जो है आपको जो RC बुक भी देनी है, सबसे और साथ में इंश्योरेंस कंपनी आपसे जो है इंश्योरेंस क्लेम भी मांगेगी, उसके बाद जो है आपकी ओरिजिनल FIR की कॉपी भी मांगेगी। ये सब करने के बाद जो है पुलिस अपना काम करेगी, जहाँ से आपकी गाड़ी वो चोरी हुई है ना वहाँ पर अलग अलग एरिया पे अलग अलग टाइमिंग होती है सर्च की, तो विद इन 32-6 मंथ के अंदर आपकी जो बाइक है वो ढूंढी जाएगी। अगर इन दिनों में आपकी बाइक नहीं मिली, आपको जो है 9 ट्रेस रिपोर्ट दी जाएगी। 9 ट्रेस रिपोर्ट भाई बहुत मुश्किल से मिल जाती है, ऐसा ना हो कि जो 9 ट्रेस रिपोर्ट होती है ना वो आपको तब मिलती है जब आपकी बाइक इन 32-6 मंथ के अंदर 30 डेज टू 6 मंथ के अंदर आपकी जो बाइक है मिलती नहीं है, तब आपको पुलिस 9 ट्रेस रिपोर्ट देती है। ये रिपोर्ट मिलने के बाद, ठीक है, आपको अपनी रिपोर्ट ये इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करानी होती है। सबमिट करने के बाद अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी का अलग अलग टाइमिंग होती है, क्या कहते हैं अपना आपके बैंक में पैसे देने का, ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम करने का, प्रॉपर ये बात बताऊँ, ठीक है। विद इन 90 to 120 डेज के अंदर इंश्योरेंस कंपनी है सेम नेम ऑनर के ऊपर, जैसे RC के ऊपर सेम नेम है, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सेम नेम है, उसके अंदर बैंक अकाउंट में जो है
पैसे ट्रांसफ़र कर देगी। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान की बात होंगे सेम नेम के ऊपर जो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर पैसे ट्रांसफर करेंगे जो बाइक का ओनर होगा। ठीक है गाइस, आपको बताते हैं कि इंश्योरेंस किन किन सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनियाँ जो आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। तो सबसे पहले जब आपकी बाइक चोरी होती है, जब आपको पता चलता है विदिन आपको 24 आवर्स के अंदर जो इंश्योरेंस कंपनी को आपको इन्फॉर्म करना है कि आपकी बाइक का वो चोरी हो चुकी है एंड इंश्योरेंस कंपनी यहाँ से आपकी बाइक की जो दोनों की मांगी वो भी आपको सबमिट करनी है। ठीक है, एंड साथ में इंश्योरेंस कंपनी ये भी चेक करेगी आपने बाइक कहाँ पार्क करी है, नो पार्किंग जोन में तो नहीं पार्क करी। ठीक है, एंड कुछ अदर होती हैं जो इंश्योरेंस कंपनी ये भी चेक करेगी कहीं ओनर की मिस्टेक की वजह से तो नहीं है कि बाइक चोरी हुई है या फिर उसको कुछ हुआ है। ठीक है, एंड ये सब चेक करने के बाद कुछ अदर भी होते हैं रीज़न जो कि इंश्योरेंस कंपनी चेक करती है, बट यहाँ पर कुछ मेजर और हाईलाइट्स रीज़न है मैंने आपको बता दिए हाईलाइट्स करके। ठीक है, अब गाइस आपको बता दें थर्ड पॉइंट जो हमारा होगा, थर्ड पॉइंट ये होने वाला है कि आप अपनी बाइक को कैसे चोरी होने से बचा सकते हो। ठीक है, आपसे गाइस डिस्क्रिप्शन मैंने कुछ लिंक दे रखे हैं, आप यूज़ करके जो है अपनी जो सेफ्टी और भी ज़रा बढ़िया कर सकते हो, तो उसके उसे भी गाइस एक बार चेक करके जरूर से कर लेना। जो है कुछ लॉक मैकेनिज्म जो है उस टाइप के गैजेट होने वाले हैं। ठीक है गाइस, एंड ये थे हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है। यहाँ पर आपको तीन मैंने सबसे मेन पॉइंट समझाते हैं जब बाइक चोरी होती है तो उस वक्त आपको कैसे कैसे क्लेम करना है और इंश्योरेंस कंपनी कैसे आपका क्लेम वो रिजेक्ट कर सकती है एंड बाइक आप अपनी चोरी होने से कैसे बचा सकते हो। आई होप गाइस आपको आज की वीडियो वो टॉपिक है वो अच्छा लगा ना, अच्छा लगा प्लीज़ इसको जरूर से लाइक कर देना, साथ में गाइस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियो मैं लाता रहता हूँ ना, आप सभी के प्यार के लिए हम वीडियो लाते हैं, तो आप प्लीज़ अपना प्यार दिखाइए, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मुझे बहुत सारी आपकी सपोर्ट की जरूरत है गाइस। आई होप गाइस आप मेरी बात समझ गए ना, तो मैं मिलता हूँ आपको ऐसी नेक्स्ट मेरी वीडियो पे, तब के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पीस।